बहादुरगढ़ में एक गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो चुका है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है, लेकिन आग लगने के असली कारणों की जांच पड़ताल अभी की जा रही है। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 में चंद्र प्रकाश जैन नाम का व्यक्ति ये गत्ता फैक्ट्री चलाता है। एचआर पैकेजिंग नाम की इस फैक्ट्री में सुबह के समय काम चल रहा था, उसी समय अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। ये सुबह 6:30 बजे हमें सूचना मिली थी, आग भाई रेड को रोड के ऊपर सबसे लास्ट में दत्ती कंपनी में आग लगी है। हमने एक साथ 3 गाड़ियां निकाल दी और यहाँ आके देखा तो काफ़ी आग लगी हुई थी पहले से ही। तो उसके बाद हमने एक साफ लाशें मंगवा ली, 4 गाड़ी हमारे टोटल 8 गाड़ियों ने यहाँ पहुँच के मौके पे आग को कंट्रोल कर लिया गया, जिसमें सिलेंडर भी रखे थे वो हमने बाहर निकाल दिए थे आग बुझाने के बाद में। अब हमने JCB मंगवा के जिससे कि एक बार घर तो जिससे कि JCB से सारा गत्ता पाड़ के बाहर निकाले जाए, तो उससे हम इसको कंट्रोल कर देंगे। 10 से 15 मिनट में हमने गाड़ियाँ लगी हुई है, पूरा स्टाफ मौके पर मौजूद। किस चीज़ की फैक्ट्री थी क्या? ये गत्ता की फैक्ट्री। इसमें फायर की पूरी सेफ्टी थी या नहीं थी? नहीं, ये तो आग बुझाने के बाद देखा जाएगा कितना क्या है, इसमें सिस्टम लगे है नहीं लगे है, ये तो उसके बाद की बात। कैसे लगी आग पता है? नहीं, अभी तो ये बाद में पता चलेगा आग कैसे लगी है, क्यों लगी है, क्या कारण है, ये आग बुझाने के बाद में पता चलेगा। कोई कितना क्या नुकसान का बताए? अभी नुकसान की बात में पता चलेगा, मालिक बताएगा अपना कितना क्या नुकसान है।